इस मूवी की शुरुआत में हम दो हाई स्कूल टीनेजर लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम था जॉर्जिया पेज और रेगन, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और साथ ही शहर के बाहर जाकर पढ़ने का प्लान कर रही थी क्योंकि कुछ ही हफ्तों में इन दोनों का स्कूल कंप्लीट होने वाला था। जॉर्जिया के फादर की एक फैक्ट्री थी जिसमें कुछ अजीब काम चल रहा था। किसी को भी उस काम का कुछ खास अंदाजा नहीं था, लेकिन सभी को ये लगता था कि जॉर्जिया के फादर उस फैक्ट्री में किसी तरीके का कोई पॉइजन या फिर कोई खतरनाक जोम्बी वायरस बना रहे हैं और एक समय के बाद में ये पॉइजन लीक होने लगेगा जिससे कि लोग अपना आपा खोकर पागल हो जाएंगे। इस वजह से स्कूल में जॉर्जिया को लोगों की बातें सुननी पड़ती थी और उसे पॉइजन पेज के नाम से चिढ़ाया जाता था। एक्चुअल में जॉर्जिया को खुद इस बारे में कुछ नहीं पता था, उसे भी इस बारे में सिर्फ इतना ही पता था जितना उसने लोगों से सुना हुआ था। ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है कि तभी रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और वहाँ पर धुआं फैलने लगता है जिससे बचकर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रॉबी और जिमी नाम के दो लड़के आते हैं और हमें पता चलता है कि असल में ये आग नहीं है बल्कि इन दोनों ने वहाँ पर धुआं किया था क्योंकि वे लोग सिर्फ अपना प्रैंक शूट कर रहे थे। और इतना बताकर जिमी और रॉबी जॉर्जिया को पॉइजन पेज के नाम से चिल्लाने लगते हैं जिसे सुनकर जॉर्जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दोनों को वहीं पर पीटती है और फिर अपने दोस्त रेगन के साथ में वहाँ से चली जाती है। अब जॉर्जिया और रेगन रात में अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने का प्लान कर रहे थे और ये पार्टी रेगन के अंकल के घर पर होने वाली थी जो कि जॉर्जिया के फादर के फैक्ट्री के पास ही की एक जगह थी। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जॉर्जिया एक लड़के को 9 महीनों से डेट कर रही थी जिसका नाम जेके था, लेकिन अभी तक वो उसके साथ में इंटीमेट नहीं हुई थी। रेगन भी जेके को बहुत पसंद करती थी लेकिन इस बारे में जॉर्जिया को कोई खबर नहीं थी। अब रात में दोनों पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर जॉर्जिया का बॉयफ्रेंड है जेके भी आता है और उसे देखकर जॉर्जिया बहुत ही खुश हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। साथ ही दोनों के दो दोस्त केसी और ब्लैक भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कपल थे और अंदर आते ही दोनों ऊपर वाले रूम में चले जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। अब ये तीनों जॉर्जिया, रेगन और जेके इंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर इनके दो दोस्त चेल्सी और टेनर भी आ जाते हैं। कुछ देर के बाद में उन्हें खिड़की के बाहर से फोग आता नजर आता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी उन्हें जोर से सायरन की आवाज़ भी आती है जिससे कि ये सभी डर जाते हैं और बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि आखिर बाहर क्या हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता है और सभी लोग वापस अंदर आ जाते हैं। उस फोग को देखकर सभी को ऐसा लगता है कि जॉर्जिया के फादर की जो फैक्ट्री है वो जल गई है और ये पॉइजनस फोग उसी में से निकल रहा है जिससे कि अगर वे लोग इसे इनहेल करेंगे तो वे लोग पागल हो जाएंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। जेके सभी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जॉर्जिया ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वे लोग जंगल के बीच में थे और उसे वहां से बाहर निकलने में खतरा लग रहा था। जॉर्जिया भी सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसके पिता इतने भी बुरे नहीं है कि किसी को मारने के लिए वो कोई पॉइजनस चीज बनाएंगे। उसे नहीं पता था कि वो उस फैक्ट्री में क्या करते हैं, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जॉर्जिया की बात कोई भी मानने को राजी नहीं था और सभी को बस यही लग रहा था कि ये फोग जॉर्जिया के फादर की फैक्ट्री से निकल रहा है। जॉर्जिया के मना करने पर भी सभी लोग अपनी कार में बैठकर बहुत ही स्पीड से वहां से जाने लगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा फोग होने की वजह से उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है जिस वजह से उन्हें फिर से उसी जगह पर वापस आना पड़ता है। तभी उन्हें लगता है कि टैनर और चेल्सी अब तक वापस नहीं लौटे हैं जिससे कि वे लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद वे लोग पॉइजनस फोग की वजह से मारे गए होंगे। फिर अब सभी उस फोग को अंदर आने से रोकने के लिए घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं। रेगन ब्लैक से नीचे जाकर सभी खिड़कियों को बंद करने के लिए कहती है, जिस पर ब्लैक कहता है कि क्या पता अगर इस फोग के साथ कोई क्रिएचर या मॉन्स्टर हो जो कि फोग के साथ आ जाए और वो हम पर हमला कर दे। लेकिन उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास में गन है जिससे वो उन्हें शूट कर देगा। घर के अंदर जितने भी वेंटिलेशन और होल होते हैं वो उन सभी को टेप लगाकर बंद कर देते हैं। रेगन जेके से कहती है कि टेप लगाने में वो उसकी हेल्प करें, जिस पर जेके उसकी कमर पकड़कर उसे उठा देता है ताकि उसे टेप लगाने में आसानी होती है। दोनों को साथ में देखकर जॉर्जिया जिलस होती है कि जेके किसी और लड़की को छू रहा है। केसी का कहना था कि सभी खिड़की और दरवाजे बंद हो चुके हैं जिसके बाद में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। रेगन उनसे कहती है कि जब तक ये फोग नहीं चला जाता हम लोगों को यहीं पर इंतजार करना होगा, लेकिन जॉर्जिया ये कहती है कि उन्हें और भी कोशिश करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैठे रहने से क्या होगा। ये सुनकर सभी लोग जॉर्जिया के ऊपर ही भड़क उठते हैं जिससे कि जॉर्जिया को और भी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। तभी जोर जोर से दरवाजा नॉक करने की आवाज़ आती है और उसे सुनकर सभी थोड़ा डर जाते हैं। दरवाजे के बाहर टेनर और चेल्सी थे जो कि जिंदा थे और सबसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग चेल्सी और टेनर को अंदर नहीं आने देते क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने फोग को इनहेल कर लिया है जिस वजह से वे लोग इन्फेक्टेड हो गए होंगे।
लेकिन जॉर्जिया को ऐसा नहीं लग रहा था और वो दरवाज़ा खोलकर दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। लेकिन सभी चेल्सी और टेनर को अंदर नहीं आने देते हैं क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा था कि दोनों ने फोग इनहेल कर लिया है। जॉर्जिया के कहने पर रेगन उन दोनों को घर के अंदर ले आती है लेकिन रूम के अंदर नहीं आने देती है और ये देखकर जॉर्जिया अजीब से स्माइल करती है। बाहर फोग और भी तेजी से सभी जगह फैल रहा था और टेनर और चेल्सी सभी को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं बल्कि बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन टेनर थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेव कर रहा था। सभी को लगता है कि शायद ये लोग अंदर आने के लिए ये सब कह रहे हैं। ब्लैक अपने गन निकाल लेता है और टेनर से कहता है कि अगर वो दरवाजे से दूर नहीं हुआ तो वो उसे शूट कर देगा, जिससे टेनर थोड़ा पीछे हो जाता है और चेल्सी उससे कहती है कि इस फॉग ने तुम्हें ही पागल कर दिया है। ब्लैक का ऐसा कहना था कि अगर हम मरने वाले हैं तो उसकी आखिरी इच्छा है कि वो पीते हुए मरे। ये सुनकर जेके भी जॉर्जिया से रूम में चलकर इंटीमेट होने के लिए कहता है। जॉर्जिया को ये सुनकर गुस्सा आता है कि ऐसे सिचुएशन में भी उसके दिमाग में ये सब चल रहा है। केसी और ब्लैक भी जॉर्जिया को जेके के साथ में इंटीमेट होने के लिए फोर्स करते हैं। रेगन को सभी की बातें सही लग रही थी और वो भी जॉर्जिया के साथ नहीं देती है और जेके को सपोर्ट करती है और कहती है कि जैसा जेके कहता है उसे ऐसा कर लेना चाहिए। इसे सुनकर जॉर्जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे ऐसा करने के लिए कह रही है, जिसके बाद में जॉर्जिया और रेगन के बीच में बहस होने लगती है जिससे कि दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं। जॉर्जिया रेगन से कहती है कि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और आज जब उसका साथ देना चाहिए उसे ये सब सुना रही है, जिस पर रेगन जॉर्जिया से ये कहती है कि अगर वो जेके के साथ में इंटीमेट नहीं होगी तो वो खुद बेडरूम में जा रही है जेके के साथ में इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि वो ऐसे ही मरना नहीं चाहती है। जॉर्जिया ये सुनकर हैरान रह जाती है और रेगन जेके को लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है जहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। नीचे जॉर्जिया किचन में जाती है और ग्लास वॉश करने लगती है, तभी केसी वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन जॉर्जिया गुस्से में अपने हाथ से ही ग्लास को तोड़ देती है जिससे कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है और केसी ये देखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद में रेगन नीचे आती है और जॉर्जिया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि कैसे हो गया और वो ये सब नहीं करना चाहती थी, ये सब उस फोग की वजह से हुआ है जिससे कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। जॉर्जिया उससे कहती है कि वो जानती थी कि जेके उसका बॉयफ्रेंड है और उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। रेगन माफ़ी मांगती है लेकिन जॉर्जिया उसकी बातें नहीं सुनती है और वो उसे उठाकर किचन प्लेटफॉर्म पर पटक देती है और फिर कांच के टुकड़े को रेगन के गले में स्टैप करके उसे मार देती है। जॉर्जिया के इस बिहेवियर से सभी को लगता है कि उसने ये सब फोग की चपेट में आकर किया है और फिर सभी लोग जॉर्जिया को ले जाकर बेसमेंट में बांध देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान नहीं पहुँचा पाए। दरवाजे के दूसरी तरफ से टेनर सभी से कहता है कि वे लोग दरवाज़ा खोलें और उसे अंदर आने दें वरना वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगा, जिस पर ब्लैक टेनर पर गन पॉइंट करके उसे कहता है कि अगर वो ऐसा कुछ करके अंदर आएगा तो उसे शूट कर देगा। बाहर हम तेजी से फोग को चारों ओर फैलता हुआ देख पाते हैं। ब्लैक सभी से कहता है कि उन्हें जॉर्जिया को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि वो सभी के लिए खतरा बन चुकी है। जिस तरह उसने रेगन को मारा है वो सभी को मार देगी, लेकिन जेके ऐसा करने से मना करता है। जॉर्जिया जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहीं बेसमेंट में ही छुप जाती है और वो सभी की बात सुनने लगती है। टेनर और चेल्सी दोनों अंदर आना चाहते थे और जब इतना कहने के बाद भी कोई उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता है तो टेनर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्लैक उस पर गोली चला देता है जिससे कि वो जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है। चेल्सी देखकर परेशान हो जाती है और टेनर की जान बचाने के लिए वो ब्लैक को अपने कार की की देने के लिए कहती है ताकि चेल्सी उसे हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन ब्लैक ऐसा नहीं करता है और चेल्सी को भी मारने की धमकी देता है। चेल्सी ब्लैक को मर्डर कहने लगती है और उससे प्रोवोक होकर ब्लैक चेल्सी के पेट में रॉड घुसा देता है जिससे कि चेल्सी भी घायल हो जाती है। चेल्सी देखती है कि टेनर मर चुका है लेकिन तभी एक्सीडेंटली बालकनी से नीचे पानी में गिर जाती है। चेल्सी को पुलिस की कार भी दिखाई देती है और वो जैसे तैसे पानी से निकलकर कार तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर दो पुलिस वाले घर तक पहुंचते हैं ताकि वो देख सकें कि सब ठीक है या नहीं, क्योंकि उन्हें घर से गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी थी। एक पुलिस वाला उन्हें दरवाज़ा खोलने को कहता है लेकिन ब्लैक ऐसा नहीं करता है और वो उसे भी शूट कर देता है जिससे कि उस पुलिस वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरा पुलिस वाला उन्हें देखकर शूट करने लगता है जिससे कि एक गोली केसी को लग जाती है और जख्मी हो जाती है। ब्लैक और जेके उसे संभालते हैं और उसे लेकर बाथरूम में छुप जाते हैं। चेल्सी को होश आते ही वो जख्मी हालत में घर की तरफ भागने लगती है लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाती है जिसके कांच के टुकड़े उसकी पूरी बॉडी में छुप जाते हैं
और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर दूसरा पुलिस वाला भी सभी को ढूंढने के लिए घर के अंदर आता है और उसे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। जब वो देखने के लिए बेसमेंट में जाता है तो जॉर्जिया उसके ऊपर चढ़कर अटैक कर देती है, जिससे कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती और जॉर्जिया उसे स्टेप करके मार डालती है। यहाँ जेके ब्लैक से कहता है कि वो जॉर्जिया को देखने जा रहा है क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही है, जिस पर ब्लैक उसे जाने से मना करता है और कहता है कि अगर जेके यहाँ से बाहर गया तो वो उसे वापस अंदर नहीं आने देगा। लेकिन जेके ब्लैक की बात नहीं मानता है और वहां से चला जाता है। बेसमेंट में जाकर वो जॉर्जिया को ढूंढने लगता है और जब जॉर्जिया उसे दिखती है तो वो एक एक्स को जेके के पेट में घुसाकर उसे मार डालती है और फिर वो उसे आखिरी किस करती है, जिसके बाद में जॉर्जिया ऊपर जाती है जहाँ पर ब्लैक को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसे सुनकर ब्लैक घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी गन भी खाली हो चुकी थी। जॉर्जिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो एक्स से दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है और फिर एक्स से ब्लैक की गर्दन पर दो वार करती है, जिसके बाद में वो केसी के बाल पकड़कर उसका मुंह उसके मुंह को टॉयलेट पॉट में डाल देती है। लेकिन फिर भी केसी नहीं मरती है तो वो केसी के सिर पर मार मार कर उसका सर क्रश कर देती है। अभी भी ब्लैक जिंदा था तो जॉर्जिया ब्लैक की गन से उसे शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गन में गोलियां नहीं बची थी, जिस वजह से जॉर्जिया उस गन को ब्लैक के मुंह में और अंदर घुसा देती है, जिससे कि ब्लैक के मुंह से खून आने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद में जॉर्जिया अपने आप को मिरर में देखने लगती है और फिर घर से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर जिमी और रॉबी आ जाते हैं। जॉर्जिया को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों उससे पूछते हैं कि उसे क्या हो गया है। जिन्हें जॉर्जिया कहती है कि आज तुम्हारी विश पूरी हो गई, मेरे फादर की फैक्ट्री जल गई और उसमें से वो पॉइजनस गैस लीक हो गई, जिस वजह से सभी लोग पागल हो गए और इसी कारण उसने उसके सारे दोस्तों को जान से मार दिया है। ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और जॉर्जिया से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो फोग आया था ये उनका एक प्रैंक था और उस सायरन को भी उन्होंने बजाया था। उन्हें नहीं पता था कि उनके इस प्रैंक का ये नतीजा निकलेगा। ये सुनकर जॉर्जिया हैरान रह जाती है क्योंकि उनके इस सो कॉल्ड प्रैंक की वजह से सभी लोगों की जान चली गई। जॉर्जिया गुस्से में आकर रॉबी की आंखों में चाकू घुसा देती है और जिमी जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो जॉर्जिया जिमी की गर्दन में भी चाकू घुसाकर उसे आर पार कर देती है और फिर दोनों को मारकर पुलिस की कार लेकर वो वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक टीनेज लड़की जॉर्जिया की है जिसके बड़े बड़े सपने थे कि उसे दूसरे शहर में जाकर अपने करियर में कुछ करना है, लेकिन पूरे शहर में उसके पिता की फैक्ट्री के बारे में रूमर्स फैले हुए थे कि उसके पिता की फैक्ट्री में कोई पॉइजन बनता है और अगर किसी दिन उसके पिता की फैक्ट्री में आग लग गई तो गैस पूरे शहर में फैल जाएगी और लोग पागल हो जाएंगे। ये रूमर इतने ज़्यादा फैल गए थे कि बहुत से लोगों को इस पर विश्वास हो गया। फिर एक दिन जॉर्जिया अपनी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ में एक हाउस पार्टी में जाती है और वहाँ पर दो लोग एक ऐसा प्रैंक करते हैं जिससे कि सभी को ऐसा लगता है कि जॉर्जिया के पिता की फैक्ट्री जल गई है और उस पॉइजनस गैस की वजह से सभी लोग पागल हो गए हैं और इसीलिए सभी लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए थे कि उन्हें रूमर्स असली लग रहे थे और सिर्फ एक छोटे से प्रैंक और रूमर की वजह से जॉर्जिया के हाथों सभी लोग मारे गए। तो दोस्तों, देखा आप सभी लोगों ने कि प्रैंक करने का क्या नतीजा होता है। खैर, ये था आज की छोटी सी मूवी का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है या फिर आपको कोई स्पेशल मूवी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आऊँगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।